हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टी स्टेट पॉइंट मथुरा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 11th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री है पार्ट टू। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रहा था, जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो आपको दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था उस वीडियो में कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट में किस तरीके से फाउंड आउट करनी है। बट आज की वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो है कि आप जो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो डिग्री में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल का किस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल नहीं आता है तो मैंने 10th क्लास का एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 3.2 का है। 3.2 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहेगा साइन और ये 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये क्वेश्चन साइन 765, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जब क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे, क्वाड्रेंट का होल एक राउंड अगर हम देखें तो 360 का, कितने का था 360 का, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम देखें तो कोई पॉइंट अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो पूरा 360 घूम लेता था, तब जाके वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आता था, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता था। तो जब हम इसे 360 राउंड कर देंगे तो ये क्या होगा कि जहां से स्टार्ट था वहां पर आपको मिल जाए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो को जो है पूरा राउंड के बाद हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू को छोटा करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी एक चीज बता देता हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और एक कोसेक, ये वैल्यू होती है। विशेष ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट होते हैं हमारे पास, एक होता है 90, एक होता है 180, यानी कि 180 को 360 का रेशियो होता है और इसे 270 का। तो ध्यान दीजिएगा, इन पर तो वैल्यूएं चेंज होती है, साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में, टेन किस में चेंज हो जाता है कॉट में, और सेक किस में कोसेक में, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, यानी कोसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉस सेक साइन में और साइन कॉस, इस तरीके से बदल जाते हैं किस किस पॉइंट पर, 90 पर और 270 पर बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आया 90 प्लस थीटा, तो आप देखेंगे 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा होता है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरीके से ये वैल्यू हमें चेंज हो जाती है, यानी कि साइन किस में चेंज हो गया 90 पर, 360 होता है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी, जैसी हैं वैसे ही रहने वाली। देखिए अगर मैं 765 राउंड दूं किसका, 360 का, तो टू टाइम ये रिंग कर जाएगा, जब ये टू टाइम रिंग कर जाएगा यानी कि दो बार ये पूरा घूम जाएगा, तो दो बार घूमने पर स्टार्टिंग आ जाएगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो मैं देखूंगा कि इसमें कितना ज्यादा है, क्या है कितना एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे लिखूंगा 45। ओके, यानी कि 45 और प्लस करने पर मुझे ये वैल्यू मिल जाए। क्लियर क्लियर, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। साइन आपके पास है अवेलेबल, मैं इसे लिख सकता हूं 2 × 360 यानी 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, जब मैंने इसे ब्रेक करूंगा तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आपकी रहेगी साइन 45। क्लियर, साइन 45 होगी, जब साइन 45 को मैं देखूंगा तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2, यानी कि 1/√2, तो यही आपका आंसर रहेगा। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको बताए तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, कोसेक माइनस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा, माइनस का क्या होता है कोसेक थीटा। तो इस वैल्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 14 10, यानी कि 14 10। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, इस वैल्यू को डिग्री में ब्रेक कर दे। देखिए जब मैं इस वैल्यू को डिग्री में ब्रेक करूंगा तो सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, 360 देखिए टू टाइम कर रहा था तो मुझे 700 मिल रहा था, अगर मैं फोर टाइम करूंगा तो यहाँ 1400 मिलेगा, सिंपल सा। तो मैं फोर टाइम इसे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर किया जीरो, यहाँ पर किया आपका तो 24
और 24 का 2 कैरी एंड यहां पर गया तो 12, यानी कि इतना वैल्यू आ रहा है। और यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर है 10 और यहां पर आ रहा है 40। तो मैं इसे इस तरीके से लिखने वाला हूं, उसे 360 इंटू 4 माइनस 30, ये वैल्यू आपको मिल जाए। क्लियर, जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी तो समझिए तो जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या रहेगी, उससे माइनस 30, क्या रहेगी माइनस 30। और जब माइनस माइनस में देखूंगा, जैसे कि माइनस का पहले था माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उसे 30। जब उसे 30 हो जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू आप देख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, बट यहां पर 1/2 की जगह उससे को है तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी 2। यह भी ट्राइगोनोमेट्रिक आपको वैल्यू आनी चाहिए, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की सारी वैल्यू आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप, मैं यहां पर मोटा मोटा लिख देता हूं आप देख लीजिएगा। मान लीजिए यहां पर आपके रेशियो है, यानी कि थीटा की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 0, तो यहां पर 30, ठीक है, और यहां पर आपका 45 और यहां पर 60 एंड यहां पर 90, ये इस तरीके से आपका जो है टेबल है। ठीक है, यहां मैंने लाइन कर लिया है, ये लाइन कर लिया है, ये लाइन कर लिया है, तो आपको मैं तीन ही क्वाड्रेंट की यहां पर वैल्यू दे देता हूं, जिससे आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं अपॉन में रखें। अगर आप कहें तो मैं पूरा लिख सकता हूं, लीजिए पूरा ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। चलिए तो मैं इसे कर देता हूं, देखिए यहां पर इसको लाइन कर लेता हूं, यहां पर इसे लाइन कर लेता हूं एंड यहां पर इसे लाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो जो भी जितने रेशियो होते हैं वो लिखेंगे यहां पर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये रेशियो होते हैं आपके पास, कोसेक है भाई ये कोसेक। ठीक है, साइन जीरो का वैल्यू 0, 1/2, 1√2 और 3√2, ये हो गया, और ये यहां पर होता है 1, इसका अपोजिट 1√3, 1/√2, यहां पर 1/2 एंड 0। क्लियर, टेन की वैल्यू करूंगा साइन अपॉन कॉस इनफाइनाइट, सॉरी 0, 0 आएगा भाई, 0 इनफाइनाइट नहीं आएगा, 0 आएगा, यहां पर करेंगे तो 1/√2, यहां पर करेंगे तो 1, यहां पर √3, यहां पर इनफाइनाइट। क्लियर, यहां पर इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0। क्लियर, यहां पर क्या आया sec, तो sec का आप देख पाएंगे सबसे पहला काम आपका 1, यहां पर √3, यहां पर √2 2 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट 2 √2 और √2/3 एंड 1, ये आपकी 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए हर हालत में। इसके ऊपर मैंने एक 10th क्लास की वीडियो बनाई है, आप वहां पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखना ना भूलें, आपको ट्राइगोनोमेट्रिक बनाना टेबल बनाना और पूरा समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। देखिए 10 तो है, बट इस वैल्यू को आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे ये समझ, जब आप इस वैल्यू को ब्रेक डाउन करने की बात क्या, जब आप इस वैल्यू को ब्रेक डाउन करने की बात करेंगे तो देखें सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि यहां पर मैं लिख लूं 6π प्लस 5/3। अब देखना कि यहां पर क्या वैल्यू मिलेगी, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको 18π और प्लस 1π, ये हो गया तो 19 हो जाएगा ना टोटल 3π। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे यहां पर, 6π प्लस 5/3। अब 6π ही क्यों क्यों किया, यहां 5π क्यों नहीं किया, 5π करते तो देखिए पाई इंटू 180, ठीक है, बट हमारा राउंड जो होता है वो 360 का होता है, यानी कि हमें जो पेयर लेना है वो लेना है 2 का ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं, 8 का ले सकते हैं, 6 का ले सकते हैं, पाई के रिलेटिव में जो हमें पेयर लेना है वो ये लेना है। तो देखिए यहां पर मैंने 6 का लिया, तो ये वैल्यू मिली। अब हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, देखिए 180/360 यानी कि पाई बाई 3 आपकी वैल्यू रहने वाली है। अब पाई बाई 3 को अगर हम देखें तो पाई बाई 3 की वैल्यू जो होगी वो आपकी 1060 की वैल्यू क्या होगी, आप देख लीजिए
बताएं, आप खुद बता दीजिए 1060 की वैल्यू क्या है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और 180 में अगर मैं 3 का डिवाइड किया तो 60 आ गया। 60 की वैल्यू बताइए आप क्या हो 60 की। देखिए अभी मैं प्रीवियस उसमें देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 60 की वैल्यू आपको मैंने क्या दी थी, रूट थ्री, तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, सिंपल सा थ्री। ये आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक। ये मैंने देख के लिखी है मगर मुझे आती है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अब इस वाली वैल्यू को देखिए। सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया है, साइन है आपके पास, क्या है साइन है 11π/3। सिंपल, सबसे पहला काम यहां पर देख लीजिए, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्लियर। तो यहां पर हो गया माइनस साइन 11π/3, ठीक, माइनस साइन। अब 11π को किस तरीके से लिखने वाले हैं, देखिए 11 हम देखें तो मैंने बताया था, देखिए 4 का पाई का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 के साथ कर दूं तो 12 हो जाएगा, और 12 से मुझे इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो जब ये वैल्यू चेंज होगी आपकी यहाँ पर, क्या होगी यहाँ पर चेंज होगी, तो ये वैल्यू जो आने वाली है वो भी माइनस का साइन माइनस थीटा, ओके। बट इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूंगा तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अगर हम देखें तो देखें क्या है, 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई 2, रूट थ्री बाई 2 इज आंसर, ठीक है साइन 60 की वैल्यू। सेम क्वेश्चन, कॉट माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 15 पाई बाई 4 ये आ जाएगा। जब ये वैल्यू आ गई तो आप इसे ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करने पर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी आपकी, देखिए यहां पर क्या है 15, तो अगर आप 4 पाई लेंगे, क्या लेंगे 4 पाई, और माइनस कर देंगे पाई, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 16 माइनस 1, तो वही सेम cot माइनस पाई बाई 4, जब cot का करूंगा तो ये हो गया आपका cot पाई बाई 4, पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है भैया, 1 दैट इज आंसर। तो ये थी आपकी यार एक्सरसाइज 11 क्लास की, 11th क्लास की 3.2 का सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले दे चुका है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए। दूसरा, आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, जहां से आपको प्रीवियस सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तो आपको बेल आइकन दबाना, ठीक है। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।